के साथ शेख जोहर। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों में भारी आक्रोश है। दरअसल शिक्षक संगठन महिलाओं, शिक्षिकाओं और अन्य कार्मिकों के चाइल्ड केयर लीव यानी CCL पर अगले आदेशों तक रोक लगाने से नाराज है। परीक्षाओं का सीजन होने के कारण सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिलाएं, शिक्षिकाओं और अन्य कार्मिकों के चाइल्ड केयर लीव CCL पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि शिक्षा निदेशालय की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है, लेकिन जिलों में CBEEO ने ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की परीक्षाएं अप्रैल तक जारी रहेंगी। शिक्षकों के विरोध पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऐसा कोई आदेश तो नहीं आए हैं, लेकिन परीक्षाओं के समय मजबूरी है कि हम छुट्टी नहीं दे सकते। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि कई महिलाएं कार्मिकों ने CCL या PL अवकाश ले रखे हैं, उनके अवकाश को निरस्त कर ड्यूटी ज्वाइन करने आदेश देना गलत है। शिक्षा विभाग राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रवक्ता नारायण सिंह सिसोदिया ने कहा कि जब से सरकार बनी है, मंत्री व अधिकारी शिक्षकों को सता रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके उनके अधिकारों के साथ बदसुलूकी की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में शिक्षा विभाग की IUVC में शिक्षा सचिव ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई शिक्षिका और अन्य महिला कार्मिक ने पूर्व में CCL स्वीकृत करवा रखी है तो CCL निरस्त कर स्कूल बुलाया जाए। कई महिला कार्मिकों का कहना है कि उनके बच्चों की उम्र अगले साल 18 वर्ष पार हो जाएगी, ऐसे में उन्हें CCL का लाभ नहीं मिल पाएगा। जबकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 120 दिन ही मिलते हैं, कई कारणों से कक्षाएं नहीं लग पाती, हमने CCL लीव स्थगित नहीं की है, ऐसा आदेश भी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे समय पर अवकाश मांगे जाते हैं जब परीक्षा चलती है तो देखना पड़ता है, हमें परीक्षा से पहले अतिरिक्त कक्षाएं भी लगानी होंगी, ऐसे में हम शिक्षकों को लीव नहीं दे सकते। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ऐसे तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।